पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से हथनीकुंड बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सुबह से बढ़ता हुआ यमुना का जलस्तर 94,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जो दिल्ली में अगले 72 घंटों तक पहुंचेगा। वहीं चंडीगढ़ से आए जल संसाधन व सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हथनीकुंड बैराज का दौरा किया और वहां के स्ट्रक्चर को भी बारीकी से समझा। उन्होंने बताया कि आज एक बार जल स्तर 94,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। चंडीगढ़ से आए जल संसाधन व सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी हथनीकुंड बैराज का पूरा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां बने कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों तक से बातचीत की। मीडिया को अपने दौरे के बारे में जानकारी देते हुए अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हमारे यहाँ हथनीकुंड के स्ट्रक्चर किस प्रकार से वर्किंग करते हैं, मेरे स्तर पर उनको देखने और समझने की बात है। बाकी हमारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, पूरा समय वो ख्याल रखते हैं, इसलिए आज यहाँ विजिट की गई है। वहीं लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर भी अनुराग रस्तोगी ने बताया कि आज यमुना 90,000 से 94,000 क्यूसेक तक पहुँच गया था, लेकिन फिलहाल अभी बाढ़ का खतरा नहीं है और ना ही किसी भी तरीके का कोई फ्लड का खतरा है। एज ऑफ नाउ पानी आज लगभग 90,000-94,000 क्यूसेक तक गया। यहाँ तो सिर्फ ये है कि हमारे स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, मेरे स्तर पे तो उनको सिर्फ देखने और समझने की बात है, बाकी तो हमारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, वो पूरे टाइम इसका ध्यान रखते हैं। यमुनानगर से नेशनल बस के लिए सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।